I invite our Honorable Prime Minister to press the Drona button, which will commence the monumental Kisan Drone Yatra. सबसे पहले पंजाब और फिर गोवा में ड्रोन यात्रा शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी ड्रोन ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है और तमिलनाडु सहित असम, राजस्थान और तेलंगाना में ड्रोन यात्रा शुरू हो चुकी है। भारत की खेती के स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ते हुए एक साथ 100 ड्रोन के अभिनव प्रक्षेपण का गवाह बनने का यह एक ऐतिहासिक क्षण है। नमस्कार। अगर नीतियां सही हो तो देश कितनी ऊंची उड़ान भर सकता है, आज का दिवस इसका बड़ा उदाहरण है। कुछ साल पहले तक देश में जब ड्रोन का नाम लिया जाता था तो लगता था कि ये सेना से जुड़ी हुई कोई व्यवस्था है, ये दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए उपयोग में आने वाली चीजें हैं, उसी दायरे में सोचा जाता था। लेकिन आज हम मानेसर में किसान ड्रोन सुविधाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। ये 21वीं सदी की आधुनिक कृषि व्यवस्था की दिशा में एक नया अध्याय है। मुझे विश्वास है ये शुरुआत न केवल ड्रोन सेक्टर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, बल्कि इसमें संभावनाओं का एक अनंत आकाश भी खुलेगा। मुझे भी बताया गया है कि गरुड़ एरोस्पेस ने अगले 2 वर्षों में 1,00,000 मेड इन इंडिया ड्रोन बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे अनेकों युवाओं को नए रोजगार और नए अवसर मिलेंगे। मैं इसके लिए गरुड़ एरोस्पेस की टीम को, सारे नौजवान साथियों को बधाई देता हूं। साथियों, देश के लिए ये समय आजादी के अमृत काल का समय है, ये युवा भारत का समय है और भारत के युवाओं का समय है। पिछले कुछ वर्षों में देश में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, युवाओं और प्राइवेट सेक्टर उसे एक नई ताकत दी है। ड्रोन को लेकर भी भारत ने आशंकाओं में समय नहीं गंवाया। हमने युवा टैलेंट पर भरोसा किया और नई सोच के साथ आगे बढ़े। इस बार के बजट में हुई घोषणाओं से लेकर अन्य नीतिगत फैसलों में देश ने खुलकर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को प्राथमिकता दी है। इसके परिणाम आज हमारे सामने हैं। वर्तमान में ही हम देख रहे हैं कि ड्रोन का कितना विविध इस्तेमाल होने लगा है। अभी मीटिंग रिट्रीट के दौरान 1,000 ड्रोन्स का शानदार प्रदर्शन पूरे देश ने देखा। आज स्वामित्व योजना के तहत गांव में ड्रोन के जरिए जमीन का, घरों का हिसाब किताब तैयार हो रहा है। ड्रोन के जरिए दवाओं की सप्लाई हो रही है। मुश्किल इलाकों में वैक्सीन पहुंच रही है। कई जगह खेतों में दवाओं का छिड़काव
भी ड्रोन से शुरू हो गया है। किसान ड्रोन अब इस दिशा में एक न्यू एज रिवॉल्यूशन की शुरुआत है। उदाहरण के तौर पर आने वाले समय में हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से किसान अपने खेतों से ताजी सब्जियां, फल फूल बाजार भेज सकते हैं। मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी या समंदर से सीधे ताजी मछलियां बाजार भेज सकते हैं। कम समय में मिनिमल डैमेज के साथ मछुआरों का, किसानों का सामान बाजार पहुंचेगा, तो उनकी, मेरे किसान भाइयों की, मेरे मछुआरे भाई बहनों की, उनकी आय भी बढ़ेगी। ऐसी अनेक संभावनाएं हमारे सामने दस्तक दे रही हैं। मुझे खुशी है कि देश में कई और कंपनियां इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। भारत में ड्रोन स्टार्टअप्स का एक नया इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। अभी देश में 200 से ज्यादा ड्रोन स्टार्टअप काम कर रहे हैं। बहुत जल्द ही इनकी संख्या हजारों में पहुंच जाएगी। इससे रोजगार के भी लाखों नए अवसर खुलेंगे। मुझे विश्वास है आने वाले समय में भारत का ये बढ़ता सामर्थ्य पूरी दुनिया को ड्रोन के क्षेत्र में नया नेतृत्व देगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नौजवानों के साहस को मेरी शुभकामनाएं हैं। आज जो स्टार्टअप की दुनिया खड़ी हुई है, ये जो नौजवान साहस कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और भारत सरकार नीतियों के द्वारा लगातार आपके साथ रह करके, कंधे से कंधा मिला करके आपको आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आने देगा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।